इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, जो भी जुर्माना होगा वो तो देना पड़ेगा। अगर वो जेल भी जाते, अगर उन्होंने जेल का जुर्माना दिया होता तो वो भी हमको, मुझे जाना पड़ता। ऑफ कोर्स मैं जो ये जुर्माना भरूंगा ये अंडर प्रोटेस्ट भरूंगा, पेंडिंग माय राइट टू फाइल रिव्यू और ए रिट पिटिशन, क्योंकि इस केस में सिर्फ रिव्यू ही नहीं रिट भी फाइल होगी कि एक अपील की रेमेडी होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर क्रिमिनल कन्विक्शन के खिलाफ एक अपील होनी चाहिए जो कि दूसरे जजेस के सामने जाए। तो इसलिए ये सब फाइल होगा, लेकिन पेंडिंग दैट मैं वो जुर्माना भर दूंगा, क्योंकि उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कबूल कर रहा हूँ। उसका ये मतलब है कि भाई जो जुर्माना दिया है वो तो मुझे मानना पड़ेगा जब तक कि वो ओवरटर्न नहीं होता, और ओवरटर्न नहीं भी होगा तब भी मानना पड़ेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ। देखिए, इस समय लोगों को एक बहुत घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी पर बहुत बड़ा हमला हो रहा था सरकार की तरफ से। तो जब उन्होंने ये देखा कि एक जना है जो कि खड़ा हो गया है और जिसको कि दबाने की बार बार कोशिश करी जा रही है लेकिन वो दब नहीं रहा है, तब ये उनको लगा कि इस ओकेजन को इस तरह से यूज करना चाहिए ये बताने के लिए कि भाई हम भी स्वतंत्र तरीके से खुलकर बोलना चाहते हैं और बोलेंगे। तो एक तरह का एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मूवमेंट बन गया हिंदुस्तान। देखिए, एक तो अच्छी बात ये हुई है कि बहुत सारा फोकस इस मुकदमे की वजह से इस पर आ गया कि पिछले 6 साल में न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचाने के लिए या मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए या संविधान को बचाने के लिए क्या किया या क्या नहीं किया, इस पर बहुत चर्चा होने लगी और इस पर फोकस आ गया। और मुझे उम्मीद है कि ये फोकस आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया थोड़ा बदलेगा, सुधरेगा। दूसरी बात ये हुई कि इसकी वजह से कि लोगों के माइंड में ये आया कि भाई ये बोल सकता है तो फिर हम लोग भी बोल सकते हैं, तो लोगों को थोड़ी हिम्मत मिली खुल के बोलने की, चाहे वो इस सरकार के खिलाफ हो, न्यायपालिका की ही कोई बुराइयों के बारे में बोलने की आजादी। देखिए, उनकी विरासत तो ऑलरेडी लोग देखने लगे हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स उनकी विरासत के ऊपर, उन्होंने किस तरह के केसेस में फैसला दिया, सक्सेसिव चीफ जस्टिसेस ने उनको अपने जिन केस में उनको इंटरेस्ट था वो सारे अरुण मिश्रा जी को इंटरेस्ट करे गए, और इनकी जो नजदीकी जो कनेक्शंस थे भाजपा के संग वो सब, उन सब की भी चर्चा हो रही है। तो ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है किसी भी लोकतंत्र में जो लोग न्यायपालिका को सुधारना चाहते हैं कि ये जरूर देखा जाए कि किस जज ने उस पर बहुत कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है, और पूरी विरासत की पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, हर एक जज की होनी चाहिए। जस्टिस अरुण मिश्रा की इसलिए होने लगी है क्योंकि ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, लेकिन हर जज की होनी चाहिए और होएगी, इनकी तो खैर जरूर होएगी। देखिए, अगर आप ये देखें कि जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस जिसमें सरकार का कोई इंटरेस्ट था उनको इन्होंने बहुत सारे इस तरह के केसेस डील करे, और सब केस में, चाहे हरन पांड्या का हो, चाहे बिरला सहारा का हो, चाहे लैंड एक्विजिशन का हो, सारे के सारे केसेस करीब करीब सरकार के हक में तय करे। अडानी के 6 केसेस अडानी के हक में तय करे, जिसमें कि कम से कम 30-40 हजार करोड़ रुपए का अडानी को फायदा कराया गया, और सारे चीफ जस्टिसेस ने, कई सारे चीफ जस्टिसेस ने अपने पॉलिटिकली अपने सेंसिटिव केसेस जिसमें उनको इंटरेस्ट था, सारे के सारे अरुण मिश्रा जी को ही इंटरेस्ट करे। सो ये एक बड़ा चौंकाने वाली चीज है जिस पर सर्टनली काफी बहस होने की जरूरत है। सिर्फ एक जज से नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन माहौल जिस तरह का बन जाए, आज
इमरजेंसी के दौरान भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार थी और उस समय जजेस डरे हुए थे। आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार है, ऑलमोस्ट फासीवादी सरकार है, और आज भी ऐसा लगता है उनके कामकाज के तरीके से जजेस डरे हुए हैं। तो वो डर लोगों को और जजों को निकालना पड़ेगा अगर अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र तरीके से काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जजेस डरे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर दिखाई देती है उससे ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ कुछ करने में बहुत हिचकिचाहट है। अब कई बार लोगों को ये डर लगता है कि पता नहीं सरकार क्या कर दे, हमारे खिलाफ कुछ इंक्वायरी चला दे, हमारे खिलाफ ये सब एजेंसीज को लगा दे, आईबी को लगा दे, सीबीआई को लगा दे, इनकम हमारे कोई रिश्तेदार के खिलाफ लगा दे। इस तरह के बहुत सारे डर होते हैं। ये भी डर होता है कि हमको रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी ना मिले, ये बहुत बड़ा ल्योर होता है आज आज के ज़माने में भी, रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे कि बड़ा बंगला दिल्ली के बीच में मिला रहे और तनख्वाह मिलती रहे वगैरह वगैरह। सो इसलिए बहुत सारे हथकंडे, सरकार बहुत स्ट्रांग अगर सरकार हो तो ये देखा गया है कि न्यायपालिका थोड़ी सहम जाती है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब ये जो फोकस आया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और उनको बहुत पैनी निगाहों से लोग देख रहे हैं और उनका कामकाज की फर्क कर रहे हैं, तो शायद इससे फर्क पड़ेगा, शायद इससे फर्क पड़े, लेकिन ये कोई पक्का कहा नहीं जा सकता। हम लोग हर बार सोचते थे जब ये रिटायर हुए दीपक मिश्रा, तो हम लोग सोचते थे कि भाई गोगोई साहब बहुत स्वतंत्र होंगे, लेकिन उल्टा ही हुआ। जब गोगोई साहब रिटायर हुए तो हमको लगता था कि बोबडे साहब बहुत स्वतंत्र होंगे, लेकिन वो देखने को नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। सो देयरफॉर कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ बेहतर हो, खासकर जब इतनी निगरानी रखी जा रही है। जिस तरह से लोग बाहर निकले मेरे सपोर्ट में और अभिव्यक्ति की आज़ादी के सपोर्ट में, उससे तो ये लगता है कि शायद ये डर इस केस की वजह से लोगों का डर निकल गया है, कंटेम्प्ट का डर, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, न्यायपालिका में सुधार होना है तो लोग उसकी खुली चर्चा कर सकें, बहुत ज़रूरी है, उसकी कमियों को बता सकें, जो उनको लग रहा है कि वहाँ गलती हो रही है उसको खुली तरीके से डिस्कस कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा लगता है कि इस केस की वजह से शायद ये सिलसिला शुरू हुआ। देखिए इमरजेंसी में भी ऐसा हुआ था, 10 हाई कोर्ट्स ने बोल दिया था कि हेबियस कॉर्पस पिटिशन लाई करती है इमरजेंसी के दौरान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया था। सो अभी भी हम इस तरह का कुछ देख रहे हैं कि कई हाई कोर्ट्स सरकार से बिल्कुल आज़ाद होकर सरकार के खिलाफ अच्छे अच्छे ऑर्डर्स दे रहे हैं, जहां पर सरकार की बेईमानी हो रही है, मनमानी हो रही है, जैसे कफील खान, डॉक्टर कफील खान के मामले में हुआ, और ये पिंजरा तोड़ की लड़कियों के मामले में हुआ और भी कुछ मामलों में हुआ, तो वहाँ हाईकोर्ट्स का रवैया काफ़ी बेहतर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर असल में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आखिर कोर्ट है, थोड़े ही से जजेस होते हैं, हाई कोर्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जजेस होते हैं, तो कुछ कुछ हाई कोर्ट्स में कुछ कुछ जजेस अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी एक आध दो चार फिर भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर लेते हैं, लेकिन इस समय जो हाल दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा हाल मैंने तो कभी नहीं देखा इमरजेंसी के दौरान भी। इमरजेंसी के दौरान भी न्यायपालिका की या सुप्रीम कोर्ट की का ये हाल नहीं हुआ जैसा कि आज दिखाई दे रहा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो इस समय सिविल सोसाइटी ही प्ले कर सकती है। सिविल सोसाइटी को डराने की पूरी कोशिश करी जा रही है सरकार के द्वारा और सारे इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे और एजेंसीज हो, चाहे जुडिशरी हो, सबको यूज करके
सिविल सोसाइटी को डराने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन अगर लोग ये ठान लें कि भाई हम डरेंगे नहीं और हम खुलकर अपनी बात बोलेंगे और अपना काम करेंगे, तो कितने लोगों को ये जेल में डाल देंगे। जैसे वो कहावत है ना, जेल में कितनी जगह है तेरी, देख लिया है देखेंगे। तो जब अगर एक बार ये एटीट्यूड हो जाए, जैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हुआ था। देखिए, इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो सिर्फ देश को एक फॉरेन पावर से आजाद कराने के लिए हुआ था। आज तो हमारा पूरा लोकतंत्र, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन ही खतरे में है। जिस तरह की फेक न्यूज, हेटफुल न्यूज चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, जिस तरह से लोगों का के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये बिल्कुल हमारे सिविलाइजेशन की लड़ाई है कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम इस समय नहीं खड़े हुए तो कुछ नहीं बचेगा बचाने के लिए।